हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स वेव ऑप्टिक्स का अगला लेक्चर। जैसा कि हमने जस्ट पिछले वाले लेक्चर में YDSC के बारे में, यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में तमाम बातें सीखी थी, अगर आप उन सब लेक्चर को नहीं देख के आए हो तो अवश्य देख के आओ, ताकि यहाँ पे आपको समझने में आसानी हो, और अगर देखने का मन नहीं करता तो खाली इसी को देख के काम चलाओ, ओके। लेकिन अगर पीछे से पढ़ गया होगे तो आपको जरा सा भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि स्टूडेंट आप शुरू से जानते हो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो सीधे शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। आज की टॉपिक हमारी क्या है, इन YDSC में, मतलब कि हम YDSC में सीखेंगे इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम। आज हमारा जो मतलब लेक्चर है वो बेस्ड है इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम पे, ठीक है ना। कि बहुत बढ़िया ब्राइटनेस चाहिए तो करना क्या है, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कैसा कैसा होना चाहिए, सारी बातें बताएंगे। और हाँ, आपके लिए एक हमने फेज डिफरेंस पे, जैसा कि कई बच्चे 11वीं में नहीं पढ़ पाए हैं, तो उनके लिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस के बारे में, तो आप उसको बढ़िया से देख लीजिएगा ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए, ओके। तो चलिए आज की हम टॉपिक शुरू करते हैं, इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इस वाले फोटो से जाने पहचाने लगते हो ना सर, ये तो फेमिलियर फोटो बनाया, बार बार वही बनता है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यही होता ही है, तो और क्या बनाएंगे जी, यही तो बनाएंगे। तो देखो जरा, यहाँ पे दो होल्स हैं, ठीक है ना, ये दो मतलब स्लिट बोलते हैं जी, स्लिट होते हैं, इनके बीच की दूरी बहुत छोटी सी स्माल्टी होती है, सब जानते हो तुम। यहाँ पे स्क्रीन होता है, यहाँ पे लाइट सोर्स होता है, यहाँ से लाइट चलती है, तो ऐसे कुछ होता है, पैटर्न बनता है ना जी। आपको बताया ना मैंने कि अगर मान लो एक कागज़ है, यंग साहब का जो प्रयोग था शुरुआत वाला, ऐसे कागज़ में मतलब कि यहाँ पे एक होल था पहले वाले में, फिर दो होल, फिर तीसरे वाले पे पैटर्न बनता था, कि जहाँ जहाँ पे होल्स थे लाइट रे, वहाँ वहाँ पे जाके ब्लैक हो जा रही थी, बीच में जहाँ ब्लैक होना चाहिए था वहाँ पे वाइट हो जा रही थी, वहाँ चमक रही थी, ऐसे यार। देखो जरा, यहाँ पे होल से यहाँ से लाइट चली तो इनके सामने वाइट होना चाहिए था ना, बट वहाँ पे ब्लैक हो गया, और इनके सामने ब्लैक था तो यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए था, यहाँ पे वाइट हो गया। इसे बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल मैक्सिमा। और हमने मतलब कि एक कंडीशन लिया है कि किसी समय मतलब ये पॉइंट पी पर दोनों आके रेज मिल रही हैं यहाँ पे आकर के, ठीक है ना, और इनका सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस कितना है, वाई है। सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस कितना है, वाई है। और आपको पीछे का वीडियो अगर देख के आ रहा तो समझ में आ ही गया होगा, चाहे नोट कर लो। नोट क्या करना है कि पाथ डिफरेंस, इन दोनों का पाथ डिफरेंस ही तय करेगा कि यहाँ पे ब्राइट है कि डार्क है। इन दोनों का जो पथ का अंतर है, पथांतर है, वही बता सकता है कि यहाँ पे वाइट है कि डार्क है। आपने जैसे कि पीछे देख के भी आया और सवाल वाल भी लगाया कुछ, आज और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं डीप में जा करके। तो मैंने क्या बोला, आप नोट कर लो। नोट क्या करना है कि इन दोनों के पाथ का डिफरेंस ही तय करेगा यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा कि मतलब कि डार्क फ्रिंज बनेगा। यहाँ पे फ्रिंजेस बनते, जो पैटर्न बनते हैं, ब्लैक वाइट ब्राइटनेस डार्क, ब्राइटनेस डार्क, वो क्या होता है, वो तो फ्रिंज, उसी को बोला जाता है जी, ठीक है। और यहाँ पे इनके बीच की दूरी जो कैपिटल डी होती है आपको पता ही है, तो स्मॉल जो डी होता है कैपिटल डी से बहुत छोटा होता है, या फिर बोलो कि जो कैपिटल डी है बहुत बड़ा स्मॉल डी से है। और स्मॉल डी क्या है, डिफरेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, और इट कैपिटल डी क्या है, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। और एक बात देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर मान लो यहाँ पे पीछे देख के आए हो, नहीं देखे हो तो जाके देख लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैंने कैसे गिराया, परपेंडिकुलर, तो S1P, देखो इसका मान S1, इसका नाम S2, यहाँ पे S1P S2P है, तो इन दोनों का पथांतर कितना है, यहाँ पे मैंने गिराया लम्ब, इतना ज़्यादा हो गया। अरे भाई, मान लो एक बच्चा है नन्हा सा मुन्ना सा, ये चला 5 किलोमीटर, कितना चला 5 किलोमीटर, फिर एक बच्चा नन्हा सा मुन्ना सा ये चला 7 किलोमीटर, तो इन दोनों का बताओ जरा पाथ डिफरेंस कितना है। तो बोलोगे सर जी बड़े में छोटा वाला घटा दो, कोई यहाँ पे ऐसे लंब गिरा लो, बड़े छोटा वाला घटा लो, लंब गिराया बड़े छोटा वाला गिरा घटा दिया, तो H2P - S1P = δx, यही क्या होता है, पाथ डिफरेंस है। डेल्टा एक्स को हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस बोलते हैं। और हमने अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ sin θ बराबर, अगर मैं ऐसे बोलूँ ना sin θ बराबर, तो बोलोगे सर जी लंब, लंब डेल्टा एक्स हो गया, कर्ण कितना हो गया, AD हो गया जी। तो अब देखो यार, अब यहाँ से बोल सकते हो कि डेल्टा एक्स बराबर d sin θ,
एनी प्रॉब्लम सर? नो एनी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। अब अच्छा एक बात और देख लो जरा, अब हमको अगर बेहतर इंटेंसिटी चाहिए, मतलब हम बोलेंगे चलो देखते हैं, माना यहाँ से हम लोग कुछ लिखते हैं, माना पहले स्लिट से निकली लाइट की इंटेंसिटी। ओके, मैंने बोला मान लो आई वन है ओ, तथा दूसरे स्लिट से निकली लाइट की इंटेंसिटी मैंने कहा माना आई टू माना, और हमने बोला बेहतर व्यतिकरण के लिए, यानी कि बेहतर इंटरफेरेंस के लिए, बेहतर बेहतर इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, दोनों लाइट की इंटेंसिटी सेम, मतलब कि जो भी दोनों वेव्स आ रही है, जो भी है जानते हो दोनों में काम होता है, तो जो भी मतलब इनकी इंटेंसिटी सेम कर दोगे ना, तो पीछे पड़ क्या होगा कि इंटेंसिटी सेम होती है तो बेहतर इंटरफेरेंस होता है। तो इंटेंसिटी दोनों की मान लो सेम कर दी। और अच्छा आपने एक बात और पढ़ी है, रिजल्टेंट, यहाँ एक बात और देख लो यहाँ पे जी, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इस वाले फिगर को देख रहे हो ना, टेन थीटा बराबर हम कहेंगे बाई फिगर टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर वाई बटे डी है, और वाई क्या है जी यहाँ पे, वाई सेंट्रल मैक्सिमा से मतलब कि यह दूरी है जहाँ पे पॉइंट पी है, पता नहीं मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो पाथ डिफरेंस बताएगा ना, और पाथ डिफरेंस का आपने फार्मूला भी पढ़ रखा होगा, इसी मतलब कि कलांतर के रूप में फाई इज इक्वल टू 2π/λ (Δx) या फिर कह दो Δx = λ/2π (φ), जहाँ पे फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। आज फेज डिफरेंस क्या होता है आपको पता है, नहीं पता है तो हमारा एक छोटा सा वीडियो बना हुआ है 10 मिनट का, आप वहाँ पे जाके बढ़िया से देख सकते हो, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। ओके, तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा छोटे से वीडियो का, वहाँ से आप टच करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो वाई फिगर आप देख रहे हो टेन थीटा बराबर वाई वाई डी होता है, ठीक है ना। हमने बोला, हमने पढ़ा है रिजल्टेंट, अगर देखो दो लोग जा रहे हैं, दो लोग जा रहे हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की फार्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला होता है IR = I1 + I2 √2I1 I2 cos φ, यही होता है ना। तो देखो यार I1 भी I है I2 भी I है, तो IR = I+I+2II, मतलब II का square, फिर बाहर निकल आएगा cos φ, तो हो जाएगा IR = ये देखो II हो जाएगा 2I + 2I cos φ, तो IR = 2I कॉमन ले लो, 1 + क्या आएगा cos φ आएगा, और 1 + cos φ का फार्मूला 2 cos²φ/2 होता है ना। अरे भाई नहीं पढ़े हो क्या, पढ़े तो हैं सर जी, देखो cos²θ = cos²θ - sin²θ होता है जी, तो देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है cos²θ = क्या होता है 2 cos²θ - 1 होता है, तो हमने आपको बताया है क्या कि दोनों पक्षों की केवल एंगल में भाग दिया था, इसको हम थीटा का मान से खाली एंगल में भाग दो, इधर एंगल में खाली होता है, तो हो जाएगा मान लो 2 एंगलों में भाग दे दिया, तो cos²θ = 2 cos²θ/2 - 1, इसको इधर ले जाओ तो cos²+1 = 2 cos²θ/2, इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 1 + cos φ, 1 + cos θ, तो होता जाएगा IR = 2I, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos²φ/2। अब इनको देखा जाए तो IR = हो जाएगा 4I cos²φ/2, यानी कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, देखो जरा ध्यान से, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो डिपेंड किस पर करती है, फेज डिफरेंस पे। देखो मैंने पीछे वाले में क्या दिखाया था, रिजल्टेंट इंटेंसिटी पाथ डिफरेंस भी पे तय करती थी, पाथ डिफरेंस के बाद
यहाँ पे रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है एक बेटा फेज डिफरेंस पर डिपेंड करती है, यानी कि हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सो द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, सो द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज डिपेंड्स ऑन फेज डिफरेंस ऑफ वेव्स, लाइट वेव्स कह सकते हो, कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो मतलब कि लाइट वेव्स के फेज डिफरेंस पर डिपेंड करती है, पहले पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करी, फिर मतलब कि उसके बाद फेज पे हम लेके आए आपको, फेज के बारे में सीखेंगे अभी हम, परेशान ना होइए आप लोग। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, यही वाला फार्मूला है, फार्मूला आपने पढ़े हो ना, चूंकि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू पाई इंटू फाई होता है, ठीक है ना, पाथ डिफरेंस डिपेंड किस पे करा, फेज पे डिपेंड करा, और फेज वाला मतलब पाथ डिफरेंस फेज पे डिपेंड किया, और फेज ने किसको बनाया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी को बनाया, यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी किस पर फेज का मतलब कि डिपेंड करी, फेज पर डिपेंड करी। तो अब हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे मैक्सिमा है और कहाँ कहाँ पे क्या है मिनिमा है, जिसके लिए आपको आगे चलना पड़ेगा, इसको हम पहले मिटाते हैं आपके लिए, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको ना, ये फिगर में मिटा दूंगा या फिर यहाँ पे मिटाता हूँ, ठीक, जहाँ तक समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या बोला, सुनो ध्यान से, मैंने बोला कि यहाँ पे लाइट सोर्स था, लाइट गुजरी, दोनों की इंटेंसिटी मैंने मान ली आई है, फार मतलब कि बेस्ट इंटरफेरेंस के लिए दोनों की जो तीव्रताएं आई आई मैंने मान ली, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने प्रूव भी किया है कि आई आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट में आई वन आई टू इंटू कॉस फाई होता है, वेयर फाई इक्वल टू फेज डिफरेंस होता है, ठीक है, और आई आर इज इक्वल टू आई वन का मान आई टू सब आई आई मान लिया गया, तो सारी वैल्यू पकड़ यहाँ तक ले आए हम लोग, और इसमें हमने जान पीछे प्रूव कर चुके हैं जी, इसको मिटा के थोड़ा आगे चलते हैं। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि जो हमको मैक्सिमा मिलेगा यानी कि जो ब्राइटनेस मिलेगा वो मिलता किससे है, जो मैक्सिमा हमको मिलता है वो ब्राइट फ्रिंजेस को मैक्सिमा बोलते हैं ना जी, ब्राइट फ्रिंजेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमा बोलते हैं, ओके। और ब्राइट फ्रिंजेस कब मिलता है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ओके, बहुत आप इतना आपको तो पता ही है, मैंने क्या बोला कि मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज, अगर चमकेगा फ्रिंज तो मैक्सिमा बोलेंगे, और बेटा ब्राइट फ्रिंज कब होता है, जब इंटरफेरेंस कैसा होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, और चूंकि जैसा कि आप जान रहे हो कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो फोर आई कॉस स्क्वायर फाई बाई टू, और डिपेंड किस पे करती है, फेज डिफरेंस पे करती है, अब कॉस कितने का मान बता दो हमको आराम से, कि कॉस कितने का मान अधिकतम होता है, कॉस मतलब फाई का मान क्या होता है अधिकतम, वो कास अधिकतम वैल्यू एक होती है जीरो पे, कास जीरो की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है, जीरो के बाद टू पाई है ना। एक बात तो और जान लो, एक बात और क्या जानना है, कि जो ए स्क्वायर लगा है ना ये सबको पॉजिटिव बना देगा, सबको क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो हमने क्या बोला कि अगर आपको मैक्सिमा चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए, मैक्सिमा चाहिए, तो मैक्सिमा के लिए इसको जीरो होना, इस पूरे टर्म को जीरो होना पड़ेगा, तभी कास जीरो का मान एक पाओगे, माइनस एक भी हो सकता है, तभी तो हो जाएगा, बढ़िया मिलेगा ना। तो देखो जरा हम बोलेंगे कि हाँ फार मैक्सिमा फाई का मान अगर मान लो जीरो हो जाए, वही फेज डिफरेंस जीरो हो जाए, तब भी काम बन जाएगा। जीरो के बाद मान लियो आप, मान लो जीरो के बाद टू पाई होना चाहिए, टू पाई पे भी मैक्सिमम बताएगा, टू पाई देख लो, फाई का मान टू पाई रखे, देखो फाई का मान को मैं रख रहा हूँ, टू पाई 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 कट जाएगा, तो बताओ कॉस पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉस पाई की वैल्यू कॉस 90 प्लस 90 डिग्री का हो जाएगा ए होल स्क्वायर माइनस साइन 90, फिर वही हो जाएगा ना जी, कॉस मतलब कि फाई इक्वल टू जीरो, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, सॉरी थ्री पाई नहीं आएगा,
काश 2π के बाद 4π पे जाना पड़ेगा हमको अब, काश 2π 4π 6π 8π डॉट डॉट डॉट। अगर ये फेज डिफरेंस दोगे, अगर फेज डिफरेंस देखो भाई, पहले आया पाथ डिफरेंस, पाथ के बाद कौन है फेज डिफरेंस, तो अगर ये आप फेज डिफरेंस को देते हो 0 2π का 4π का 6π का 8π का, तो दैट टाइम आप यहाँ पे इंटेंसिटी बेहतर पाओगे, यानी कि ब्राइट फ्रिंज पाओगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होगा जब इनका फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा 2π। मैंने क्या बोला, रिजल्टेंट इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, 5 पर डिपेंड करती है भाई, ये तो सब अपनी वैल्यू कॉन्स्टेंट ही है, किस पर डिपेंड करी 5 पे। तो बेटा काश 5 का मान मैक्सिमम कब होता है, जब 5 का मान 0 हो जाए, काश 0 का मान वही 1 होता है, मैक्सिमम 1 होता है ना, तो 0 रख दो, 2π रख दो, 4π 6π 8π इसी सब पे होगा। अच्छा यहाँ पे पाथ डिफरेंस आपको पता होगा, कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है पता है आपको ना, जो भी पता भी यहाँ से निकल जाएगा, देखो जरा। चूंकि डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है जी, लैम्डा बाई 2π इंटू 5 होता है ना, यही तो पाथ डिफरेंस है। 5 का मान 0 रखो तो डेल्टा एक्स का मान कितना आएगा, 0 आएगा। 2π रखो तो कितना आएगा, 5 का मान 2π रखो तो ये आएगा लैम्डा आएगा। 4π रखो तो 2λ आएगा, 4λ। अरे उसके बाद तो 4π रखो तो यहाँ पे मान लो 2π रखा, 5 का मान 2π तो लैम्डा आया, 4π रखा तो 2λ आया, 6π तो 3λ, 8π तो 4λ। ऐसे बेटा कितना आएगा, ऐसे मतलब कि 0λ 2λ 3λ 4λ 5λ 6λ n λ टोटल आएगा इतना। ये बोलोगे सर कि फिर अरे जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है, n λ होता है जी। अब n का मान 0 1 2 3 4 रख के देख लो तो सब में आएगा। तो आपको पता चला ना कि जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मतलब ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगा, जब फेज डिफरेंस 0 का होगा, 2π का होगा, 4π का होगा, 6π का होगा, 8π का होगा, 10π का होगा, 12π का, ऐसे पता नहीं कहाँ तक जाएगा। अब देखो फार मिनिमा, अच्छा एक बात और सॉरी, एक बार देख लेते हैं जरा इसको बढ़िया से। इन सबों पे क्या हो जाएगा, जो ये है IR, इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो IR है ना वो आई मैक्स है। IR को हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आई मैक्सिमम बोल सकते हैं। यानी कि देखो आई गया तो यहाँ पे 2i नहीं 4i हो जाता है, अगर आई जाके यहाँ पे मिलता है ना तो वहाँ पे 2i नहीं, वहाँ पे क्या हो जाता है 4i हो जाता है। तो इन सब मैटर में देखो बढ़िया से ध्यान से माइंड को रोक करके, हाँ क्या बोला है मैंने, IR आई मैक्स के बराबर, और आई मैक्स कितना आएगा, आई मैक्स कितना आएगा, देखो आई मैक्सिमम को जब इसका मान 0 हो जाएगा तो एक हो जाएगा 4i होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं आई मैक्स का मान 4i के बराबर होता है। इसलिए हमने बोला जो IR होगा ना आई मैक्सिमम, अब यहाँ पे जो 4i की जगह पे हम आई मैक्सिमम कर सकते हैं, और यहाँ पे cos स्क्वायर 5i2 कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर फेज डिफरेंस 0 का है, 2π का है, 4π का, तो इसका मान 1 हो जाएगा, और जब इसका मान 1 हो जाएगा तो उसी मैक्सिमम हो रहा है, उसी पे मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम ही तो फार मैक्सिमा ही सब दिखा रहे हैं ना, ए है फार मैक्सिमा यही सब दिखा रहे हैं ना आपको, इसका मान 1 हो जाएगा। तो बेटा जो IR है ना तो मैक्सिमम हो जाएगा उसी टाइम जब ये 1 हुआ, ये पूरा टर्म जब 1 हुआ तब यह क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ध्यान देना मेरी बात को, मैंने क्या बोला जब पूरा टर्म 1 होते IR क्या मैक्सिमम, और बेटा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हुई 4i तो हुई, तो आई मैक्स का मान कितना हुआ 4i, तो जहाँ पे 4i है वहाँ पे हम क्या फार्मूले में लिख सकते हैं अब आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5i2। ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, आई गया है, सब ऐसा सब खेल तभी हो रहा है जब यहाँ से हमने इसको आई माना है, आई 4 गुना बढ़ता है, मान लो 2i हो जाए तब 8 हो जाएगा, 8i पहुंचेगा वहां पे, समझे ना, मतलब आई 4 गुना बढ़ा तो 2, अगर 2i तो 4 गुना फिर 8 हो जाएगा, 3 तो 12 हो जाएगा। ध्यान देना इस बात का, ठीक है ना, हम केवल आई पे ले रहे हैं, ये आई चला था, ये अभी आई इंटेंसिटी, तो यहाँ पे क्या मिला हमको 4i मिल गया, अगर मान लो 2i अभी 2i तो यहाँ पे हमको 8i मिलने लगेगा, समझे, जोड़ना नहीं पर 4 गुना बढ़ता है वो, तो ये समझ में आ गया ना आपको, इसमें यूज कर सकते हो। अच्छा एक बात देखो, ये सारा खेल तब हो रहा है, कब हो रहा है, जब यहाँ से आई गुजर रहा है, हम बोलेंगे फार मिनिमा,
मिनिमम माने क्या होता है जी, डार्कनेस। यह क्या था, ब्राइटनेस था, यह था आपका ब्राइटनेस। फार मिनिमम माने क्या होता है, डार्कनेस कब कब होगा, जब बेटा आपका देखो आई आर बराबर तुमने क्या पढ़ा, 4i cos स्क्वायर 5/2, और आप जानते हो कि डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2π × 5। अब यहाँ पे जब cos की वैल्यू मिनिमम होगी, cos की वैल्यू मिनिमम कब होती है, आपको क्वेश्चन माइनस एक होते, तो मैंने बोला ना माइनस एक तो हाई खा गया है, क्योंकि स्क्वायर कर दो प्लस हो जाएगा ना वो, तो माइनस एक जीरो पे कब होगी, जीरो पे। अब इसकी वैल्यू जीरो कब कब होती है, इसकी वैल्यू जीरो कब कब होगी, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है ना, cos 90 की वैल्यू जीरो आने की, यहाँ पे पाई रखो, 3π रखो, ऐसे ही सर्कल आपको आता है ना करने, अगर यहाँ पे cos इसकी जीरो होती फिर एक चक्कर लगाओगे फिर यहीं पे होगी, फिर यहीं पे होगी, फिर वहीं पे होगी, फिर वहीं पे होगी, यानी कह सकते हो कि यहाँ पे 5 बराबर क्या आएगा, पाई रख दो, 3π रख दो, ठीक है ना, पाई 3π, 5π रख दो, 5π रख दो, 7π रख दो, ऐसे डाट डाट करते करते चले जाओ। अगर ये फेज डिफरेंस दोगे, इन दोनों का फेज डिफरेंस अगर यह है, तो क्या पाओगे आप, मिनिमा यानी कि डार्कनेस पाओगे, और इनके बेस वगैरह देखो जरा यहाँ पे, इसलिए डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है, चूँकि लैम्डा बाई 2π × यहाँ होता है 5, 5 का मान जरा रखिए आप, तो हम बोलेंगे डेल्टा 5 का मान रखो आप पाई, तो आएगा लैम्डा बाई 2। अब आपको याद आ रहा होगा हाँ सर कि लैम्डा बाई 2 पे क्या था, डार्कनेस था, जब पा डिफरेंस ऐसा था, तो अब देखो 3π रखोगे तो कितना आएगा, 3λ/2 आएगा, 5π रखोगे तो 5λ/2 क्या आएगा, 2 आएगा, 7λ/2 क्या आएगा, 2 आएगा, तो ऐसे हम लोग क्या बोलते थे, 2n+1λ/2 क्या आएगा, 2 आएगा, जहाँ पे n 0 से जाकर 0 से 1 2 3 4 जा रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग इसको बोलते थे। तो अगर ये बात सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई, तो हम लोग लगाएंगे न्यूमेरिकल, समझ गए ना, मैंने आपको क्या बताया, जब फेज डिफरेंस जीरो, हमको यहीं पे आपको एट लास्ट लाना था कि जब फेज डिफरेंस जीरो, 2π, 4π, 6π, 8π का होगा, तो हम ब्राइटनेस पाएंगे, बढ़िया इंटेंसिटी पाएंगे, बढ़िया मतलब कि मैक्सिमम मिलेगा, और इन जब भी हमको ये संबंध हमने आपको प्रूव करवाया है, ये वाला संबंध, इसको अगर आप याद करते हो तो बड़ी बढ़िया सब कुछ याद हो जाएगा कि डेल्टा एक्स और लैम्डा बाई 2π × 2 क्या होता है, 5 होता है, और डार्कनेस कब कब मिलेगा यानी कि मिनिमा कब कब मिलेगा, जब आपका जो ये फेज डिफरेंस है वो 5π का हो, 3π का हो, 5π का हो, 7π का हो, 9π, 11π, ऐसे ऑड में, ऑड मल्टीपल ऑफ 5, ऑड मल्टीपल ऑफ 5, तो यहाँ पे मैंने बोला कि इसके बेस पे निकाल लो, जो कि हमने पीछे दिखाया भी था, आज हमने देख भी लिया, तो आज हमने सीखा है कि फेज डिफरेंस क्या क्या होगा, तो ब्राइटनेस या डार्कनेस मिलेगी इस वाले पॉइंट पर, ठीक है ना, पाथ डिफरेंस ने तय करा फेज डिफरेंस को, ऐसे कह सकते हो, या फेज डिफरेंस तय करा पाथ डिफरेंस को, सब एक ही में चल रहा है, तो इसको मिटा के हम कुछ सवाल लगाने चलते हैं बेटा। बच्चों आपके सामने एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल प्रस्तुत है, इन वाइडी द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन इज आई नॉट, क्या लिखा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, मतलब स्क्रीन पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो आई नॉट है, 4i की जगह पे आई, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, 4i के बराबर होती है, क्योंकि आप पढ़े हो आई आर बराबर क्या, 4i cos स्क्वायर 5/2, यही ना पढ़ा गया है, तो मैक्सिमम कितना होगा, आई मैक्स कितना होगा, आई मैक्स सर 4i के बराबर होगा, इसका मान एक हो जाएगा उस मैटर में, नहीं चलिए अच्छा लिखा है वही, इन्होंने कहा है कि वही आई नॉट है, तुम 4i ना मान के आई नॉट मानो, फाइंड द इंटेंसिटी एट अ प्लेस, मतलब कि आप वहाँ पे इंटेंसिटी निकालो, वेयर, जहाँ, पहला है कि फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज π/3, फेज डिफरेंस कितना दिया है, जो 5 दिया है बेटा पहले सवाल में आपके, वो है पहला यहाँ से लिखते हैं, तो गिवन डाटा है ना, ये हो जाएगा 5 दिया है आपका π/3, अब यहाँ पे फेज डिफरेंस इतना, आप वहाँ पे बताओ इंटेंसिटी कितनी होगी, सर घबराने का नहीं, घबराओ की दिक्कत होगी, तो हमने क्या पढ़ा है, आई आर बराबर जहाँ पे 4i वहाँ पे आई नॉट cos स्क्वायर 5/2 π/2 होता है, 5 का मान कितना है, π/3 π/3 × 2 आई नॉट cos स्क्वायर π/6 cos 30 का मान कितना होता है,
तो कहोगे सर रूट थ्री बाई टू का हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि थ्री बाई फोर आई नाट यहाँ पे होगा, यानी कि आई नाट जो मैक्सिमम था उसका थ्री बाई फोर गुना वहाँ पे होगा जहाँ पे यहाँ फेज डिफरेंस पाई बाई थ्री होगा। देखा हमारे सारे सवाल बड़ी आसानी से लगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है आप बताओ, मतलब इंटेंसिटी वहाँ पे क्या होगी जहाँ पे पाथ डिफरेंस आपका दो तरंगों के बीच का पाई बाई फोर हो। तो चूंकि पाथ डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई टू पाई इंटू फाई होता है। अब कि लैम्डा बाई फोर मिला है, पाथ डिफरेंस मिला है चूंकि डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई फोर, तो लैम्डा बाई फोर इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू पाई इंटू फाइव हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, टू पाई बाई फोर इज इक्वल टू फाइव, ये हो जाएगा फाइव इज इक्वल टू पाई बाई टू। इसलिए आई आर कितना हो जाएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई टू, कॉस स्क्वायर पाई बाई टू यानी कि इसका रूट मतलब पाई बाई टू 45, 45 का स्क्वायर कर दो, आई नॉट मल्टीप्लाई बाई वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आई नॉट बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। देखा इतना आसान आसान सवाल है कि क्या बताएं जी, आसान नहीं है क्वेश्चन, आसानी तो ऐसे है। तो समझ में आना चाहिए, फार्मूला आपको तैयार हो और ये वाला चीज़ आपको पता हो, फेज डिफरेंस वाला कमाल की बात है ना, मज़ा आ गया। इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं बेटा। तो ये आपके सामने स्टूडेंट बहुत ही बेहतर एक नंबर का क्वेश्चन उन्होंने प्रस्तुत किया है, लिखा है थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, समझ में सब कुछ आएगा। लिखा है इन वाई डी एस सी डी इज इक्वल टू 1.2 मीटर, जो कैपिटल डी है, स्मॉल डी स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो है, स्लिटों के बीच का जो डिस्टेंस है 0.25 सेंटीमीटर है, और जो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ की जो मतलब कि जो सोर्स जो लाइट सोर्स की मतलब वेवलेंथ जो है उसकी लंबाई कितनी है 600 नैनोमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस वाई फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा से आपको डिस्टेंस वाई कैलकुलेट करना है, वेयर इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन, जहाँ के जहाँ पर स्क्रीन जिस मतलब कि जहाँ स्क्रीन पर जो इंटेंसिटी है वह 75% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है 75% है, समझे। y का मान निकालना है, y कहाँ मिलता है, y से जी मिलता है tan थीटा बराबर हमने पढ़ा है y बाई वाई डी होता है, नहीं हमको tan थीटा तक पहुँचना है, tan थीटा तक कौन पहुँचाएगा, sin थीटा जब बहुत छोटा होएगा तो लगभग tan थीटा के बराबर होता है, और sin थीटा यानी कि क्या डेल्टा x बराबर क्या होता है d sin थीटा होता है, क्यों जी बहुत d तो है मेरे पास डेल्टा x नहीं है, डी तो है बट मेरे पास डेल्टा एक्स नहीं है, डेल्टा एक्स तो कौन पहुंचाएगा, डेल्टा एक्स बराबर होता है लैम्डा बाई टू पाई इंटू फाई एफ पहुंचाएगा, फाई एफ चाहिए हमको, ऐसे लाइन से बनाना पड़ेगा, सारा खेल करना पड़ेगा नहीं। तो एक ऑर्डिनेट क्वेश्चन मैंने चूंकि पढ़ा है, चूंकि आई आर इज इक्वल टू फोर आई कॉस स्क्वायर फाइव आई कितना होता है, टू होता है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो बोल रहा है कि मतलब कि मैक्सिमम इंटेंसिटी फोर वाई होता है, आई मैक्स का मान कितना होता है भाई, फोर आई तो होता है इसका 75%, ठीक है ना। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा एक कॉस फाइव, फाइव देगा यहाँ से, फोर आई कट जाएगा, ये 50 25 थ्री जा फोर जा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू इज इक्वल टू थ्री बाई फोर, यानी कि कॉस फाइव बाई टू रूट का थ्री बाई टू आ जाएगा, तो ये होती है रूट थ्री बाई टू, वैल्यू होती थी कॉस फाइव बाई टू इज इक्वल टू कॉस, ये हो जाएगा 30 की वैल्यू होती है तो हो जाएगा पाई बाई सिक्स, क्या हो जाएगा पाई बाई सिक्स, तो हो जाएगा फाइव बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, ये हो कट जाएगा तो फाइव का मान क्या आएगा पाई बाई थ्री। देखो फाइव मिल गया ना, फाइव मिल गया, कोई बात नहीं फाइव मिल गया, तो अब क्या मिल जाएगा, डेल्टा एक्स मिल जाएगा, नहीं हम बोलेंगे इसलिए, इसलिए जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है ना, जो डेल्टा एक्स है वो हो जाएगा चूंकि होता है डी साइन थीटा होता है, तो लेकिन हमको अभी ये देगा, अभी हम बोलेंगे एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू पाई इंटू फाई, तो लैम्डा बाई टू पाई इंटू फाई का मान कितना है पाई बाई थ्री है, ये कट जाएगा लैम्डा बाई सिक्स आएगा, ये वैल्यू यहाँ पुट करो लैम्डा बाई सिक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, लैम्डा बाई सिक्स इज इक्वल टू क्या होता है
डी साइन थीटा ना, तो ए हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई सिक्स डी ना, लैम्डा बाई सिक्स डी। लैम्डा का मान कितना है, लैम्डा का मान 600 नैनोमीटर है ना, तो 10 में घात माइनस 9 हो जाएगा होल का अपान 6 मल्टीप्लाई बाय 0.,  इसका स्मॉल डी का मान 0.25 सेंटीमीटर, तो 10^-7 हो जाएगा। चलिए अच्छा, एक कटेगा 100 आएगा। चलिए अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसको हम कर सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 10^-9 ए 25 मल्टीप्लाई बाई 10^-9 है ना, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी साइन थीटा होता है। डेल्टा एक्स वैल्यू निकाली लैम्डा बाई 6, तो हमने क्या पाया, हमने पाया लैम्डा बाई 6 डी, और स्मॉल डी का मान 0.25, अरे मल्टीप्लाई भाई यहाँ पे 7 कहाँ होगा, 2 होगा ना, 2 माइनस का, अरे क्या बताया जाए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा ना, ए वाला 0 उधर हो जाएगा, ये हो जाएगा कटेगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10^-5, इतना आएगा साइन थीटा की वैल्यू। अब हम बोलेंगे साइन थीटा बहुत छोटी, तो टेन थीटा के बराबर होती है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वाई बाई डी होता है ना, तो टेन थीटा की वैल्यू ये वाली ले लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 पे बहुत छोटी वैल्यू है जी, तो हो जाएगा वाई बाई डी का मान कितना है 1.2 मीटर, तो वाई का मान कितना आएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10^5 मीटर के बाद इंटेंसिटी स्क्रीन पर ऐसी मिलेगी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की 75% होगी, समझे। तो एक मतलब कि क्वेश्चन लगाने का तरीका, पहले हमको देखना है क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, कैसे क्या करना है, ये सब बातें अगर हमारी क्लियर हैं तो फिर समझ लेंगे, ये सब आएगा अभ्यास से, अभ्यास करो सब कुछ आएगा। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा, हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। अब की बार देखो बच्चों वही क्वेश्चन लेकिन सेम उसी का उल्टा। अब की बार हमारा क्वेश्चन है इन वायर डीएससी डी इक्वल टू 1 मीटर, जो स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर माना गया है, और स्मॉल डी यानी कि स्लिट्स के बीच की दूरी 1 mm है, और लैम्डा यानी कि वेवलेंथ जो है 5000 एंगस्ट्रॉम है। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन एट अ डिस्टेंस y इक्वल टू 1/3 mm फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से 1/3 mm की दूरी पर आपको बतानी इंटेंसिटी लाइट की, इफ इंटेंसिटी ऑफ वेव फ्रॉम इच स्लिट इज आई। अगर मतलब कि स्लिट से जो भी इंटेंसिटी लाइट की निकले सब दोनों की आई मान ली गई, तो 4i मैक्सिमम होगा, पता है ना। तो आई आर बराबर क्या, सीधे लगाते हैं ना आई आर, और बोलोगे सर हमने पढ़ रखा है 4i कॉस स्क्वायर 5/2, सारी वैल्यू पकड़ लेंगे पर 5 पाएंगे नहीं, अब की और 5 पाना पड़ेगा ना, तो उसे उसी का उल्टा करना है। हम बोलेंगे चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, y बाय d होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 1/3 है, और d की वैल्यू कितनी है, सॉरी 1/3 mm है ना, तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 1/3 mm में कितना मीटर होता है, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 10^-3, और डी का मान तो एक है ही, तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 10^-3, और बोलेंगे टेन थीटा इज बहुत छोटा है तो साइन थीटा के बराबर हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा, तो डेल्टा एक्स बराबर स्मॉल डी का मान कितना है 1 mm, यानी कि 1 × 10^-3 मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू, यही टेन वाले ले लेगा ऐसे बराबर थोड़ा मोड़ा ये डिफरेंस, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 10^-3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई 10^-6, ठीक है डेल्टा एक्स निकल गया, और हमको फार्मूला पता है चूंकि डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2π × 5 होता है, या फिर कह सकते हो 5 = 2π / λ × Δx, तो 2π / λ, और डेल्टा एक्स का मान कितना है 1/3 × 10^-6 है ना। हाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने यूज कर ली, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है जी, लैम्डा की वैल्यू पुट करो तो 2π / λ का मान 5000 यानी कि 5 × 10^-10 होता है, 3 को खा जाएगा माइनस का 7 मल्टीप्लाई बाई 1/3 10^-6,
अभी देखिए जरा, ये हो जाएगा 2 पाई, ये 10 पे ऊपर जाएगा तो प्लस का 7, 10 बचेगा और नीचे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो जाएगा 2 4 पाई बाई 3 होगा नहीं, ये यानी कि 5 का मान कितना आएगा 4 पाई बाई 3। पुट कर लो आराम से, IR = 4i multiply by cos 4π/3 square, 4π/3 की वैल्यू 240, cos 240 की वैल्यू cos 180 plus 60 हो जाएगा साइन, वो भी माइनस का 60 का मान होता है रूट में 3/2 होता है, रूट में क्या होता है 3/2 होता है का, सॉरी नाम तो चेंज होगा नहीं ना, सॉरी, ये हो जाएगा आपका cos 60 की वैल्यू होता है 1/2 होता है। ओके, माइनस का 1/2 रखोगे तो हो जाएगा 4i और उसका स्क्वायर तो प्लस फिर हो जाएगा 1/4, यानी कि जो IR आएगा ना वह i आएगा। ये कब आ रहा है, जब बेटा आपके मतलब इच स्लिट से जो इंटेंसिटी लाइट की निकल रही हो आई माना गया तब ऐसा आया, ठीक है ना, कि जो मतलब कि 1/3 mm की दूरी पर जो IR होगा वो आई के बराबर होगा, यानी कि मैक्सिमम का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आज हमारा यहीं पे होता है ख़त्म और ये लेक्चर भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इस टाइप पर बेस्ड आप तमाम क्वेश्चन कर सकते हो अपने बुक से, जो भी बुक है या भी आपके जो भी सोर्स हैं आप सवाल पकड़ने के, क्वेश्चन को लाने के, आप कहीं से भी लगाओ। अगर आपको पता है फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस तो कहाँ पर चमकेगा कहाँ पर अंधेरा होगा, इतना ही करना है, ठीक है ना। देखो एक अमावस और एक पूर्णिमा है, दोनों निकालनी है और दोनों के लिए पाथ डिफरेंस उत्तरदायी है, फेज डिफरेंस उत्तरदायी है। पाथ डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, ये आपको मैंने स्पेशल बताया वीडियो में। ओके, तो अगर इस बातें आपकी क्लियर होती है तो आप इस क्वेश्चन को लगाते रहो, और जैसा कि अब बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो अपनी तैयारियों को बेटा बढ़ाते रहो, ताकि ज़िंदगी में आप एक अच्छे पर्सन बन सको, अपने नंबर अच्छे मतलब कि मार्क्स ला सको। इसके लिए पढ़ाई करो, मस्ती से करो पढ़ाई, कोई स्ट्रेस नहीं लेना और जिंदगी में अपने कामयाब हो। फिर मिलेंगे बेटा आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही खूबसूरत वीडियो के, तब तक पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।